हेलो फ्रेंड्स जय श्री कृष्णा राधे राधे गौरी क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत है आज देखो पाँच और छः नंबर के काना जी की हम चोली बनाएंगे तो मैं ये दो कलर से बनाऊंगी ये आपके काम आने वाली है जो मैं ड्रेस आगे डालूंगी तो ये ही चोली हम देख के बना लीजिए ये देखो दो कलर हैं वाइट और पिंक तो यहाँ हम ये लूप बनाएंगे ये इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है गाइस बहुत ही सुंदर बनके तैयार होती है अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना मैं अपनी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए देखिए फ्रेंड्स तो हम बनाना शुरू करते हैं यहाँ मैंने लूप बनाने के बाद देखो हमारी एक ये, ये चैन हो जाती है दो तीन चार पाँच छ सात आठ यहाँ सिक्सटीन चैन बना लीजिए मैं सिक्सटीन चैन बना लेती हूँ फिर आपको आगे बताती हूँ एक बार आप इसको पहनाएंगे फिर आपको पता चले चलेगा कि इसकी फिटिंग कितनी अच्छी है बहुत अच्छी फिटिंग आती है अब मैंने देखो सिक्सटीन ये चैन बना ली हैं सिक्सटीन चैन बनाने के बाद दो ती दो को मैं स्किप करूँगी और थर्ड चैन में ये यह देखो यहाँ डाल के डबल क्रोसिया कर दूँगी ये थर्ड चैन में सिक्सटीन चैन बनाने के बाद ये मैंने डबल क्रोसिया कर दिया और फिर हम इसी जगह सेम जगह डाल के एक बार और डबल क्रोसिया कर दूंगी ये देखिए मैंने और एक बार कर दिया तो मैं यहाँ सभी में दो दो बार डबल क्रोशिया करूँगी जितनी भी हमारी चैन है उसमें दो दो बार डबल क्रोसिया करना है देखो ये दो दो बार कर रही हूँ मैं ये देखो सभी में हमारी दो दो बार डबल क्रोसिया हो जाएंगी फिर आगे दिखाती हूँ मैं स... आप कर लीजिए सभी में दो दो बार डबल क्रोसिया ये देखो मैं दो दो बार कर रही हूँ हर एक में देखो दो दो बार डबल क्रोसिया आप भी कर लीजिए फिर आके दिखाती हूँ देखो मैंने ये सिक्सटीन चैन बनाने के बाद आपको बताया सभी में दो दो बार डबल क्रोसिया कर ली है और मैं एंड में ये आई हूँ छोड़ना नहीं है इसी में भी दो बार हमें डबल क्रोसिया कर लेना है ये मैंने एक छोड़ दिया था ताकि आपको बता सकूँ तो ये देखो सेम जगह मैंने दो बार कर लिया है ये अब हम इधर आएंगे इसको टर्न करेंगे वर्क को और ये देखो दो चेन बनाई मैंने दो चैन बनाने के बाद ये इसमें हम डालेंगे फर्स्ट वाली चैन में जो हमारी फर्स्ट वाली चैन है एक बार डबल क्रोसिया किया और एक हमारी चैन होगी तो दो बार हो गया और इसको धागे को इधर कर लीजिए ताकि हमारा साथ में बुनता चला जाए और ये थर्ड चैन आ गई तो इसमें हम दो बार डबल क्रोसिया करेंगे एक बार किया और ये सेम जगह डाल के दो बार किया ये मेरे बर्धमान की ऊन है बेबी सॉफ्ट ऊन जो आती है वो है बर्धमान की और ये क्रोसिया टू पॉइंट सेवन फाइव एम एम में है अगर आप नंबर के हिसाब से टेन या इलेवन नंबर का भी ले सकते हो देखो पहले एक हो गया ये चैन फिर एक हो गया और फिर दो हो गए थर्ड चैन में दो बार होगी हम इसको भी डबल क्रोसिया मानते हैं चैन को और फिर दिखा देती हूँ मैं एक बार किया ये दो बार किया और ये तीन बार इसी सेम जगह डाल के हम फिर करेंगे दो में हमें एक एक बार करना है और थर्ड चैन में हम दो बार करेंगे पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है देखो दो बार करने के बाद मैंने एक बार किया फिर एक बार किया फिर ये दो बार कर लिया सारा ऐसे ही कर लीजिए थर्ड चैन में दो बार करेंगे हम दो में एक, एक बार और थर्ड में दो बार पूरा राउंड यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए फिर आगे दिखाती हूँ देखो हमारा ये राउंड बन के कम्प्लीट हो गया और एंड में हमारे दो डबल क्रोसी आए हैं ये दो के बाद फिर दो थर्ड चैन में दो बार करे थे मैंने देखो यहाँ दो थे फिर एक एक फिर दो फिर ये दो लास्ट में दो आए हैं देखिए हमारे ये टू राउंड बन के कंप्लीट हो गए हैं टू राउंड बन के कंप्लीट हो गए फिर हम थर्ड राउंड पे इधर आते हैं तो मैं ये पिंक वाला लगा लूँगी तो हमारे थोड़े डिजाइन सी बन जाएगी तो अच्छा लगेगा ये पिंक वाला धागा लगाऊंगी तो यहाँ दो चैन बनाएंगे एक और दो देखो दो चैन बनाई मैंने और ये फर्स्ट चैन में डाल के हाफ डबल क्रोसिया करेंगे ये देखो एक बार किया फिर अगली में हाफ डबल क्रोसिया एक बार किया तो हमारे एक दो तीन हो गए चैन को मिला के चैन को भी काउंट करना है ये चार बार हो गए और ये पाँचवी हमारी आई तो इसमें हम दो बार करेंगे एक बार किया सेम इसी जगह डाल के दूसरी बार किया चार में हम एक एक बार करेंगे और पाँच में मैं हमें दो बार करना है हाफ डबल क्रोशिया देखो दो बार हो गया उसके बाद एक बार किया और ये दो बार किया और ये तीन बार किया और ये चार बार किया चार बार किया और ये हमारा पांच में आया तो मैं इसमें दो बार कर लूँगी ये देखो इसमें मैं दो बार एक बार और सेम इसी जगह डाल के दो बार कर लूँगी पूरा राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है चार में एक एक बार और पाँच में मैं दो बार हाफ डबल क्रूसिया कर लीजिए फिर आगे दिखाती हूँ ये देखो हमारी रोब बन के कम्प्लीट है और ये मेरे एंड में दो बार करने के बाद ये तीन एक एक बार हाफ़ डबल क्रूसिया आई है ये और लास्ट में और इस धागे को हम कट कर देंगे अब इसकी ज़रूरत नहीं है ये देखो हमारा बन के कम्प्लीट हो गया तो मैंने ये कट कर दिया अभी इधर से ये वाइट वाला कट करके इधर हम लगाएंगे इस साइड तो ये धागा लिया मैंने और इसको इसी में ऐसे करके ज्वाइंट कर देंगे ये दो चेन बनाएंगे तो एक हो गया हमारा और अगले में दो बार हो गया डबल क्रोसिया ध्यान से देखिएगा और फिर तीन बार हो गया ये तीन बार हो गया और फिर ये चार बार हो गया और ये पांच बार हो गया ये पांच बार एक दो तीन चार पाँच चैन को मिला के और ये बार और ये लास्ट हमारा सात बार करना है सात बार हो गया ये हमारा धागा दिख रहा है इसको आप कट कर दीजिए ये देखो सात बार हो गया ये धागा मैंने कट कर दिया चैन को मिला के हमारे सात बार हो गए हैं देखो एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात सात बार करने के बाद हम इसको छोड़ेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दसवीं में, में डाल के डबल क्रोसिया कर लेंगे ये दसवीं में, में डाल के एक बार किया दो बार किया तीन बार किया चार बार किया पांच बार किया छह बार किया सात बार किया आठ बार नौ बार दस बार ग्यारह बार और ये बारह बार एक और हम कर लेंगे तेरह बार हो जाएंगे हमारे इधर ये देखो तेरह बार मैंने एक एक बार किया है यहाँ से काउंट कर लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह थर्टीन बार मैंने तेरह बार कर लिया है अब हम फिर वही करेंगे नौ को छोड़ेंगे दसवीं में, में। डबल क्रोसिया करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये डबल क्रोसिया एक, एक, एक बार कर रही हूँ दो तीन चार पाँच छ और ये जो हमारा लास्ट में होता है इसमें भी हमें करना है इसमें छोड़ना नहीं है अगर आपके एक कम हो रहा हो तो यहाँ पर बारह बार कर लीजिए एक से फिटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता सही आती है हमारी अगर एक कम हो रहा हो तो यहाँ बारह बार कर लीजिए अगर पूरा पूरा हो रहा हो तो ऐसे ही सेम कर लीजिए एक आधा अगर कम ज़्यादा हो रहा हो तो अपने हिसाब से यहाँ पर कम कर दीजिए एडजस्ट कर लीजिए अब हम इसको इधर आते हैं तो दो चैन बनाएंगे ये दो चैन बनाने के बाद ये धागा मेरा जो कट किया था वो रह गया था नीचे तो इसको भी मैंने पकड़ लिया ये फर्स्ट में डाला चैन में एक बार डबल क्रोशिया। फिर उससे अगले में अभी जो हमारी चैन ये सीधी सी पट्टी मिल गई हमें यहाँ से यहाँ तक इसमें हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है कहीं कम ज़्यादा नहीं करना है ये देखिए हर एक में एक एक बार ये देखो एक ही एक बार कर रही हूँ मैं हम यहाँ आएंगे अगर आपको थोड़ी सी भी क्रोशिया चलानी आती है तो आप ईजिली इसे बना लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और इसकी फिटिंग तो बहुत अच्छी आती है देखो एक एक बार कर रही हूँ ये देखो सभी में हम एक एक बार कर लेंगे यहाँ से वहाँ तक चलो कर लीजिए फिर मैं आगे दिखाती हूँ देखो हमारी ये भी बन के कम्प्लीट हो गई है रो मैंने सारे में एक एक बार डबल डबल क्रोसिया कर लिया है अब हमारी ये लास्ट रो है तो इसमें दो चेन बनाएंगे और ये जो हमारी फर्स्ट चेन है इसको छोड़ दीजिए अगली चैन में यहाँ डाल के ये सिंगल क्रोसिया बनानी है सॉरी यहाँ तो हम इसको लेंगे और इसमें हम डालेंगे इसको सिंगल क्रोसिया बना दिया एक बार किया फिर एक बार किया सभी चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है दो से एक कर देंगे ये इसमें डालेंगे ये धागा को लिया दो से एक कर दिया फिर हम डालेंगे फिर धागा को लिया दो से एक कर दिया फिर हम डालेंगे ऐसे ही करके हमें सिंगल क्रोशिया इस राउंड में सारे में यहाँ से वहाँ तक बनानी है कर लीजिए फिर मैं आगे दिखाती हूँ देखिए सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ यहाँ से यहाँ तक देखिए हमारी ये चोली बनके कंप्लीट हो गई है ये इतनी ही बनेगी अब मैं इस पर आउटलाइन करूँगी ये मैंने अभी कट नहीं किया क्योंकि मैं इस पर ड्रेस बनाऊँगी तो मैंने इसको अभी यहीं छोड़ा है इसके बाद हम पिंक लगाएंगे तो ये पिंक लगाऊँगी मैं यहाँ ये यहाँ से हम शुरू करेंगे आउटलाइन देखो यहाँ से ये जो हमारी है यहाँ से अभी मैंने इसको बंद नहीं किया है चोली को ओपन ही रखा है क्योंकि हमें फिर पहनाने में बहुत दिक्कत होती है तो मैं खुला थोड़ा रखती हूँ थोड़ा बुन के फिर मैं उसको जॉइंट करूँगी तो मैं यहाँ एक दो दो चैन बनाई और इसी के अंदर डाल के हाफ डबल क्रोसिया कर देंगे दो हमारे हो गए फिर उससे अगली जो हमारी चैन डबल क्रोशिया उसके अंदर डाला ये देखो फिर दो बार हम करेंगे ये फिर उससे अगली जो हमारी है उसमें मैं डाल लूँगी और ये दो बार हाफ़ डबल क्रोसिया कर देंगे ये देखो फिर हम यहाँ आ रहे हैं फिर, फिर मैं इसमें भी डाल लूँगी और ये हाफ डबल क्रोसिया कर देंगे ये देखिए तो इसमें सारे में हमें हाफ़ डबल क्रोसिया करना है अब मैं ये जो कोना पे हमारा है इसमें आई हूँ तो इसमें हम ध्यान से देखिएगा पहले एक बार हाफ़ डबल क्रोसिया किया उसी में इसी जगह फिर किया फिर दो चैन बनाएंगे हम एक और दो फिर इसमें दो तो बार और करेंगे एक बार किया और में इसी जगह डाल के दूसरी बार किया तो यहाँ हम चार बार करेंगे और बीच में दो चैन बना लेंगे अब हमारी जो इधर हैं इसमें हम एक एक बार हाफ़ डबल क्रोशिया करेंगे एक एक बार करना है एक बार किया फिर उससे अगले में एक बार किया ये इसके अंदर डाल के करना है मैंने ऊपर डाल दिया है ऊपर नहीं डालना है जो अंदर हमारा डबल क्रोशिया है इसके अंदर डाल के करना है देखो एक बार किया फिर उससे अगले में एक बार किया तो हमारी ये आउटलाइन बन जाती है तो अच्छा लगता है आप नहीं भी बनाओ तब भी कोई वो नहीं है अगर बना लो तो ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी लगती है ये देखो एक एक बार कर रही हूँ मैं इसके अंदर क्रोशिया के अंदर डाल के तो यहाँ से यहाँ तक आप एक एक बार कर लीजिए गले पे फिर एंड में आओगे तब मैं, मैं बताऊंगी ये देखो हमारी बनके कंप्लीट है ये मैंने सारे में देखो एक एक बार कर लिया और जब हम इधर आए थे तो हमने जैसे एक में चार बनाए थे चार और दो ये देखो ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया जैसे मैंने इसमें चार किए तो ऐसे ही मैंने इसमें चार कर ली और बीच में दो की चैन बना ली दो बना के दो की चैन और बाकी ये देखो हरे एक डबल क्रोशिया में दो दो बार कर लिए तो हमारा ये पूरी ऐसे आउटलाइन बन के इसमें कुछ आपको कलर अच्छा नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत अच्छा कलर है इसमें कुछ फीका सा दिख रहा है तो हमारे ये देखो बाजुओं पे तो है ही ये तो इसमें ज़रूरत नहीं है और ये बन के कम्प्लीट है आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हरे कृष्णा